आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज ए कंटेनर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी इज अ फुल ऑफ मिल्क 8 लीटर ऑफ मिल्क इज ड्रॉन ऑफ ए एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड इट्स प्रोसेस रिपीटेड 3 टाइम्स मोर। देयरफॉर द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकम 65 to 16। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 24 लीटर, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 16 लीटर, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 27 लीटर, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 25 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया एक कंटेनर की क्वांटिटी है फुल मिल्क से भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसमें 8 लीटर पानी मिक्स किया जाता है। ये फिर रिपीटेड किया जाता है 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स बाद तक और रिपीट किया जाता है। तो उनका जो रेशियो है पानी का मिल्क से वो हो जाता है 65:16। ओके, देन द फाइन इस वो उसे कैपेसिटी बतानी है कंटेनर की कितने लीटर का है। ठीक है, दैट अब क्वेश्चन करते हैं। लेट किया कि जो कंटेनर की कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितना एक्स लीटर की है। ठीक है, एक्स लीटर की है। ओके, देन हमें अब क्या करना है, हमें पता है ये एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि फाइनल क्वांटिटी जो होती है, ठीक है, जो रिमेनिंग फाइनल क्वांटिटी होती है कंटेनर की वो क्या होती है। फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है x, ठीक है, इंटू 1 - a/x^n। ठीक है, अब यहाँ एक एक चीज समझते हैं इसमें क्या क्या चीज होती है। ये फाइनल क्वांटिटी होती है, जैसे मिल्क जो हमारा फाइनल बचा हुआ था कितना था 16, ठीक है, फाइनल क्वांटिटी थी। देन x क्या है, यहाँ ये x जो हमारी कैपेसिटी है उसकी, और a यहाँ पर क्या है, a क्या है जितने कंटेनर से जितना दूध निकाला जा रहा है वो, ठीक है, और n यहाँ पर क्या है, n क्या है, n है जितने बार ये रिपीटेड की जा रही है प्रोसेस वो है। ठीक है, जितनी बार रिपीटेड की जा रही है, तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि फाइनल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, फाइनल क्वांटिटी कितनी है 16 हमारा बचा हुआ था और टोटल हमारी क्वांटिटी कितनी थी ये देख लेते हैं पहले, इसको बाद में, ठीक है। पहले हमारे पास टोटल कितना था, तो टोटल जो हमारा था कितना था 65, रेशियो दे रखा है 1, ठीक है, कितना दे रखा है 16 से दे रखा है रेशियो, तो हमारे पास टोटल कितना है 81। ओके, 81 अब कर सकते हैं इसको फॉर्मूले बेस्ड पे। तो फाइनल क्वांटिटी हमारी क्या है, अगर हमारे स्टार्टिंग में दूध 81 लीटर है, मान लिया हमने टोटल हमारा 81 लीटर था, ये वाटर की था और ये मिल्क था, ठीक है, तो लास्ट में जो मिल्क बचा वो 16 लीटर है, पानी कितना हो गया 65 लीटर हो गया सारी रिपीटेड होने के बाद। तो हमारे पास टोटल दूध कितना था पहले, मान लिया हमने 81 लीटर, ठीक है, फाइनल जो था वो देखते हैं अब। तो फाइनल देखते हैं कि हमारे पास बचा कितना, फाइनल क्वांटिटी जो हमारे पास बची 16, ठीक है, वो कितने पर बची थी 81 पर, ठीक है वो किसकी थी, एक्स यूनिट की थी, मतलब जो हमारा रेशियो दे रखा है वो रेशियो किसका होगा, वो हमारे कैपेसिटी का ही तो होगा रेशियो, जो रेशियो दे रखा है ये वो हमारा किसका होगा, वो हमारे कैपेसिटी का ही होता, ठीक है, कैपेसिटी हमारी कितनी है एक्स है, तो एक्स है, ठीक है, 1 माइनस, अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 8 यूनिट, क्योंकि 8 लीटर हमें निकालने और पानी डालना है, ठीक है, देन एक्स, ओके, की पावर, अब यहाँ क्या करेंगे हम पावर पे क्या रखेंगे, एन जो हमारा, एन कितनी बार किया जा रहा है, पहले एक बार किया गया, फिर उसके बाद 3 बार रिपीट आउट किया गया, यानी कि जो 4 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देन हमने यहाँ सॉल्व किया, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की पावर ये वाली पावर अगर इस पर पावर पहुंच जाएगी तो क्या आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/81/1/4, 1/4 हो जाती है, ठीक है पावर, तो 1/1 - 8/x, ओके, 1 - 8/x, तो दैट्स इट। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमारा क्या आएगा कि 1/x, ये अगर 1/4 है तो ये क्या क्या जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो गया 1 - 8/x के इक्वल, ठीक है, 1.8 के इक्वल, दैट्स, अगर मैं 2/3 को एक साइड ले लूँ और इसको x वाले को इधर एक साइड ले लूँ, 8/x इक्वल टू
वन माइनस टू बाई थ्री, ठीक है, दैट्स इट। बचा कितना हमारे पास, बचा कितना बचता है हमारे पास, एट बाई एक्स अपॉन थ्री वन बाई थ्री, वन बाई थ्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, अगर मैं इंटू कर देता हूँ तो कितना आएगा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई 24 लीटर, ठीक है। जो हमारी कैपेसिटी कितनी थी, 24 लीटर की थी, ठीक है, 24 लीटर की थी, ओके, दैट्स इट। आंसर क्या होगा, 24 लीटर, ऑप्शन नंबर वन, ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।